आपकी एज में वेट इतनी आसानी से कम नहीं होता, दो चार दिन में तो बिल्कुल ही नहीं। ये ऐसे क्यों बोल रही है, मशीन की तरह? पोकर फेस, नो एक्सप्रेशन। आई एम मीरा जी। हम बताते ये ऐसी है, बचपन से एकदम नकचली टाइप। ना हंसती है ना मुस्कुराती, कई कई दिनों तक तो वो अपनी पलके भी नहीं झपकाती। जब से पैदा हुई है ना, यही एक ऐसे भाव लेकर घूमती। अब क्या बताए तुमको, आप जानती है ना कि मैं जीरो फ्रीक्वेंसी साउंड भी सुन सकती हूँ। बी केयरफुल। पता है। अच्छा वो सब छोड़ो ना, हम ना इसे लेकर आए उसके आईब्रोज बनवाने के लिए। लेकिन ईदा आईब्रो तो एकदम परफेक्ट ही है। बगला गई हो क्या? हाँ? अरे देखो तू, आईब्रो किसी जंगल की झाड़ की तरह है, फैली हुई है। क्या बिल्ले? यार चिमटा। उठ भी क्या करते हो तुम? अरे इसके आईब्रोज देखो ना, इसके आईब्रोज बनवाने हैं। इसकी? अरे पुष्पू, ये लेडीज पार्लर है, यहाँ पे जेंट्स की आईब्रो ना होती है। अरे क्या कह रही हो तुम मंजू, हमारी सहेली ना, हमारी बेस्ट फ्रेंड हो ना तुम। तुम नहीं, ऐसे मत करो, हमारे लिए, अपनी पुष्पी के लिए कर दो। हाँ ठीक है, बना देंगे अपने दोस्ती के खातिर। देखो थोड़ा दर्द होगा, बर्दाश्त कर लेना। मर्द को कभी दर्द नहीं होता। आई एम बिल द स्पाई, मैंने अपना बचपन दर्द में। ये थोड़ा दर्द है, दर्दनाक दर्द है, ये बर्दाश्त से बाहर है, ये मुझे आईब्रो पे कुछ नहीं करना है। मैं जा रहा हूं। नहीं, बड़े बड़े उछल रहे थे, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। देखा, औरत बनना इतना आसान नहीं है। मुझे नहीं बनना है औरत। बैठो पहले। एक्सक्यूज मी। हैं? ए बाबरी। रिलैक्स, मैं आपकी आईब्रो बनाऊंगी और आपको दर्द भी नहीं होगा। करो करो करो। दर्द हुआ? नहीं। वाह, व्हाट अ कर्व। तुम्हारा नाम क्या है? चांदनी। कौन है ये? साडा पार्लर दी स्टार एम्प्लॉय है, बहुत टैलेंटेड है। मैजिक है इसके हाथों में, दिख ही रहा है। लगता है मीरा हमारा भविष्य में किया हुआ गुनाह देख रही है, कहीं सबके सामने प्रोजेक्ट करना शुरू कर दे। माँ वापस हिलाई मेरी, आ जाओ, आधी है ब्रो, कटूंगी माँ। ठीक है चलो चलो चलो, अभी चलो चलो, आधी है ब्रो, आज नहीं करो, अभी चलो। क्या चलो? ये मीरा बाबरे, चांदनी को साथ लेके चलते हैं ना। चलो चलो, आते बाद में, आते बाद में, चलो चलो। मैया की सासू मैया, छोड़ेंगे नहीं इसे, हमारे दोस्त के पार्लर में चोरी। ये आपकी लाइन नहीं है, इस पे इनका कॉपीराइट है। हाँ पता है हमें, मैडम सर इसके ना जिंदगी से संबंध खराब हो गए, बता रहे हैं आपको। ये भी आपकी लाइन नहीं है। अब आप पता है, बोलने तो दोगी हमें? माँ अपनी लाइन बोलो ना, लल्ला के पापा ना। ए, ए, ए,
एक मिनट, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हटाओ। देख लिया, अब देखो। अरे घास छिलने के मशीन में मुंह दे दिया क्या अपना? बाबू एक रिक्वेस्ट है, किसी भी जिंदा प्राणी के सामने मत जाना, तुमको देखकर कोई भी मर सकता है। यार क्या हो गया है तुमको? बिल्लू कैसे हो गया ये? नहीं नहीं, फिर भी हम उस चोर को नहीं छोड़ेंगे मैडम सर। पुष्पा जी रिलैक्स, हम है ना, हम नहीं होने देंगे चोरी। अब हमें पता है चोरी होने वाली है, तब तो कतई नहीं होने देंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू मी अगर हम चोर को पकड़ लेते हैं तो चोरी के चांसेस जीरो हो जाएंगे। अच्छा, और किस बेसिस पर अरेस्ट करेंगे उसे? कि हमारे पास एक मशीन है जिसने ये फ्यूचर में प्रेडिक्ट किया है कि चोरी होने वाली है, इस बेसिस पे? गुड पॉइंट, लेकिन चोर जो होते हैं स्टैटिस्टिकली बार बार चोरी करते हैं, और अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें और कोशिश करें तो शायद हम उसके पहले की चोरियों का पता लगा सकें। और एक बार एक भी केस मिल गया तो कस्टडी ऑटोमेटिकली लीगल हो जाएगी और आगे की चोरियों को हम रोक पाएंगे। वाह मीरा जी, पहली बार हमको ऐसा लगा कि ये टीन के डब्बे का जो दिमाग का वायर है वो एकदम सही नेटवर्क पकड़ा है, एकदम हमारी भाषा बोल रही है। धर के लाते हैं यहाँ पे, दो कान के नीचे कंटाप लगाते हैं, अपना खाया पिया सब उगल देगा, ऐसा ही करते हैं। तजुर्बा कहता है हमारा कि सच के हमेशा दो वर्जन होते हैं, एक जो हमें दिखाई देता है और दूसरा जो सच में होता है। जब तक इन दो तस्वीरों को मिला नहीं दिया जाए तब तक किसी भी कंक्लूजन पर आना बेवकूफी होगी। इसलिए सबसे पहले हमें उस शख्स को ढूंढना होगा, उसे पकड़ना होगा जो इस पूरे कांड को अंजाम देने वाला है। वही तो मैडम सर, उसको पकड़ेंगे कैसे? नहीं मतलब हम लोग उसके बारे में तो कुछ भी नहीं जानते हैं, कहाँ ढूंढेंगे उसको? और पिछली बार आपको याद है ना, हम लोग जोकर को कहाँ ढूंढ रहे थे, वो कहाँ पर मिला? लेकिन पिछली बार माजरा कुछ और था। पिछली बार हम नहीं जानते थे कि उस जोकर के चेहरे के पीछे असलियत में कौन है, लेकिन इस बार मीरा ने उस चोर का चेहरा साफ साफ देखा है, इसलिए वो बहुत जल्दी से पहचान सकती है कि ये मुजरिम कौन है। क्योंकि ये सारा मामला एक ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड है, हो सकता है कि ये वहाँ पर ही कोई काम करने वाला कर्मचारी हो। नहीं नहीं मैडम सर, मीरा जी ने जिस चोर को देखा चोरी करते हुए, हमने तो वैसा कोई इंसान देखा ही नहीं पार्लर में। क्या गोलगप्पा जैसा फुग्गा बात कर रही हैं आप पुष्पा जी? हाँ ना, मतलब हो सकता ना कि वो कर्मचारी बाद में आया हो, जब आप वहाँ हो तब वहाँ नहीं हो, या हो सकता है कि कर्मचारी का कोई रिश्तेदार वहाँ हो, कोई भी हो सकता है ना चोर तो। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक काम कीजिए, सबसे पहले तो वहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं उन सबकी एक लिस्ट बनाइए और इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। लेकिन प्लीज याद रहे कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये चोरी अभी हुई नहीं है, होने वाली है, इसलिए जो कुछ भी करिए संभल कर करिए। ओके, हम समझ गए, हम सब संभाल लेंगे। ओके ठीक। डीएसपी सर। जय हिंद सर। क्या अभी आना है? ठीक है सर, हम आ जाते हैं। जी जी, हम बस निकल ही रहे हैं। जय हिंद। करिश्मा सिंह, डीएसपी सर ने हमें बुलाया है हेडक्वार्टर्स एक अर्जेंट ब्रीफिंग के लिए, तो हम वहां जा रहे हैं। आप यहाँ पर सब कुछ संभालिए तब तक, ठीक है? जी। और शांति से। जी। चेता चतुर्वेदी, गाड़ी निकालो। चांदनी कहाँ है, स्कैन करो जरा। पुष्पी, तू अचानक से उठ के क्यों चली गई? ना कुछ बोली, ना कुछ बताया, बंदे नो भी ले गई नाल। बेचारी ने आईब्रो भी पूरी नहीं होने दी। अरे की गले पुष्पू, इतने फोर्स के साथ आई तो मैंने फड़ने। ओ ना जी, तुसी टेंशन ना लो, असी थानू फड़न वास्ते नहीं आए हैं, असी तो किसी होर नु फड़न वास्ते आए हैं। वो मुजरिम हैगा, तुसी इनोसेंट हो। वो मुजरिम दाढ़ी मुछा वाला हट्टा कट्टा बंदा हैगा जी, तुसी साइड छड़ जाओ। ओए कितना चंगा पंजाबी बोल रही कुड़ी। मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलने के लिए प्रोग्राम्ड हूँ। मैं हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, गढ़वाली, बंगाली और भी कई सारी लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ देश की। हाँ हाँ, समझ गए, सारी दुनिया की सारी भाषाएं बोल लेती है ये। इनका कहने का मतलब ये है मीरा जी का कि बिल्लू मुजरिम है ना? हाँ। नहीं मतलब जब आईब्रो बनवा रहे थे और एक अर्जेंट अगर कॉल आ गया तो बोल के जा सकते थे ना, भैया अर्जेंट कॉल है, ऐसे ही भाग गए, अब हो गया गड़बड़, अब क्या कर सकते हैं। पर हम क्या कह रहे हैं, जो आधा अधूरा जो भी बचा है इसको पूरा कर दीजिए ना। हाँ। पर इनके आईब्रो में करने के लिए बचा ही क्या है?
वही जो भी बचा है वो भी उड़ा दीजिए। कॉलेज के जो बच्चे हैं वो डर रहे हैं इनको देख के, समझ रही हैं? सुना बहुत है आपके पार्लर के बारे में, बहुत तारीफ करती हैं पुष्पा जी। हाँ। एकदम नंबर वन सर्विस है आपके। हाँ, पार्लर देखा है ही है। इसलिए हम आ जाए हैं आपके पार्लर की सर्विस लेने। हाँ जी बताइए जी, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? जी वो क्या है ना, कोई मेल स्टाफ है क्या आपके यहाँ? ना जी ना, ये तो फुल लेडीज पार्लर है जी। ताड़े जैसे सोनी कुटिया जो आती है, मतलब हमारे जैसी। ए बाप रे, क्या पुष्पो तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है। ताड़ी जैसी तो फिर मेल स्टाफ होने से ना जरा अनकंफर्टेबल फील होता है ना जी उनको। अच्छा बताओ तो अब क्या करवाना चाहेंगे जी? आईब्रोज तो आपके एकदम परफेक्ट है। ओ ना जी, कोई लोड नहीं हैगी जी, मैं ऑलरेडी परफेक्ट हूँ। हिंदी हिंदी भाषा बदलने का जरूरत नहीं है, जैसे बोलती हो वैसे ही बोलो। ओके नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले से परफेक्ट हूँ। हाँ जी तो वैक्सिंग करा लो। कोई फायदा नहीं, मुझे बाल नहीं आते। हैं? बाल नहीं आते? क्यों भाई? हाँ हाँ, वो क्या है ना, बचपन में माँ ने बहुत रगड़ के पुष्पा जी हाँ नहलाया है ना, तो इसलिए फिर बाल उगने ही बंद हो गए, वो ऐसे आ रही थी। वो क्या है वहाँ पे? अजी वो हमारा वैक्सिंग रूम है जी, वहाँ मेकअप की ट्रीटमेंट भी होती है। हाँ तो वो वैक्सिंग ही करवाना था हमको। ठीक है जी, ठीक है बुलाते। चांदनी चांदनी। हाँ आ रही है बिल्ले। जी इनकी वैक्सिंग करना है। प्लीज कम मैम, आप मेरे साथ आइए। जी प्लीज कम मैम, आइए मैम। आप मैम आप यहाँ लेट जाइए। जी वो अर्जेंट वॉशरूम जाना है। ठीक है चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। हाँ इधर। जी हाँ दिस वे। वो हेयर शाइनिंग के लिए यूज होता है मैम, उससे बाल सिल्की और चमकदार हो जाते हैं। हैं? अच्छा अच्छा। उसमें कुछ भी नहीं है मैम, सारे प्रोडक्ट्स वहाँ ऊपर ही रखे हैं। नहीं नहीं हम तो कंघी देख रहे थे, ढूंढ रहे थे। पुष्पू तो क्या करी वहाँ, आना कैसे, बहुत बातें करने, रख दे उसको। अच्छा अच्छा आजा 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 आजा। और बता यानी तुमको बचपन में हम खेला करते थे वो। हाँ वो स्टैचू स्टैचू वाला गेम। स्टैचू ओ यार सब कहते थे कि ये दोनों एक दूसरे की सहेलियां कब बहने लगती है, ये बड़ी बहन ये छोटी बहन। ना 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 बड़ी बहन छोटी बहन, तेरी ना उम्र छुपाने की आदत अभी तक नहीं गई। उम्र जो है ना ये बेटा पानी है, उसको भला कौन रोक सकता है। हाँ? और बालों को काला करने से ज्वारी लौट के नहीं आती है। पुष्पो अब तो मान लेना कि तू तो बुढ़ी हो गई है बस। ए बाप रे, आम बुढ़ी हो गई होगी तुम। हाँ? तुम्हारा खानदान तुम्हारी माँ का उम्र बताओ। ओए जुबान को लगाम दे वरना वरना क्या। हाँ क्या वरना स्टैचू। खेल रहे माँ खेल हो गया। हाँ जीते बोल। चाबी किधर है? कौन सी चाबी? अरे फाइल वाले अलमीरा का चाबी भाई। मैडम सर को इम्पोर्टेंट फाइल चाहिए, खुलिए नहीं रहा है, कहाँ है चाबी इसका? अरे हमको क्या पता कहाँ है चाबी। तुम ऐसा करो तुम ना उस ताले का सर फोड़ दो जैसे हम अभी यहाँ किसी का सर फोड़ने वाले हैं। रखो फोन रखो। फोने काट देती है यार। ओ भाई अरे पुलिस वाली होने की धौंस तो किसको दे रही है? अरे तू फोड़ेगी मुझे मैं
मैं तेरे से डरने वाली नहीं हूँ। हाँ तुझे याद है ना बचपन में होली के दिन तुझे कैसे धोया था मैंने। हाँ अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया, आज उसका हिसाब भी चुकता करेंगे हम। अरे तू धोएगी मुझे, शक्ल तो देख ले तेरी, हिम्मत है तेरे में तो धोके दिखा। हिम्मत तो हम में बहुत है, तुम्हारी हिम्मत दिखाओ, तू हाथ लगा के दिखा ना। हाथ लगा के दिखाओ। पुष्पा जी अब चलिए यहाँ से चलिए। एक मिनट एक मिनट, मीरा जी जी। हाँ हाँ मीरा जी, मीरा जी, मीरा देख के बताओ किसकी उम्र कितनी है बताओ। She is 61 years old. He's 61. झूठ बोल रही है तू, तुम सब लोग मिले हुए हो। ए 61 और 30 की हूँ मैं। मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ हाँ तू क्यों झट बोलेगी, तू तो बहुत बड़ी मशीन है, बहुत बड़े साइंटिस्ट ने तुझे बनाया है ना, झट नहीं बोलती। हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। चलिए चलिए मीरा जी चलिए, चलो मिलो, चलो चलो। एक सेंट वाली अम्मा। ह्यूमंस तुमको बोल रही उम्र में, खुद की उम्र देखो, एक सेंट है तू, देख अपनी उम्र। इसकी होती इसकी तो हूँ मैं जी। मैडम सर हमने देखा ना तो कोई ब्रेसलेट मिला ना ही कोई मर्द यहाँ पे काम करता है, ऊपर से हमारी पूजनीय सासू माँ। क्या 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 सासू मियाँ, क्या सासू मियाँ, देखा नहीं झगड़ा उसने शुरू किया था। बिल्कुल सही माँ, झगड़ा कोई भी हो माँ ही शुरू करती है। अमर तुमको तो हम सॉरी, झगड़ा उसने शुरू किया था, हम भी चुप बैठे, हमारे मुंह में जबान नहीं है। हाँ है ना, बहुत लंबी जुबान है, एकदम जादू करके रोल पेपर की जैसी, जो निकलती जाती खत्म ही नहीं होती है। बस कीजिए ना, बस कीजिए ना, पहले से हम बहुत तपे हुए हैं, अब और हमारे दिमाग का चूरन मत कीजिए आप। क्या गलत कह दिया हमने, क्या गलत कह दिया बताइए हमको। अरे क्या गलत कह दिया, हमें इतनी सुंदर महिला को बुढ़ी कहा, बुढ़ी तो बुढ़ी को बुढ़ी नहीं कहेंगी तो क्या कहेंगी बताइए हमको, कोई वर्ड होता है क्या इसके लिए। हो गया आप दोनों का। हाँ हाँ अब हम कहें जी। देखिए बात दरअसल ये है कि अगर मीरा ने कुछ प्रेडिक्ट किया है तो वो होकर ही रहेगा, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती है करिश्मा सिंह, इसलिए प्लीज शांत हो जाइए और नजर रखिए इस पार्लर पर, हम ये चोरी नहीं होने दे सकते। जी मैडम सर हम सब संभाल लेंगे, एकदम संभाल लेंगे, लेकिन आप हमारी बात सुनिए ना, हमें मीरा जी और पुष्पा जी की जरूरत नहीं है, हम अकेले सक्षम है संभालने के लिए, आप मेहरबानी करके इन दोनों को वापस बुला लीजिए, प्लीज हम अकेले कर लेंगे। नहीं नहीं मैडम सर हम भी। करिश्मा सिंह आप बात समझने की कोशिश करिए, सिर्फ और सिर्फ एक मीरा ही है जो उस चोर को पहचान सकती है, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ मीरा के ही सिस्टम में फीडेड है, इसलिए प्लीज उसे अपने साथ रखिए। क्लियर, हम चीता को भेज रहे हैं आपके पास मदद के लिए, चलिए फोन रखते हैं। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। जागिए, ड्यूटी पे सोना अलाउड नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ड्यूटी पे। मक्का टोपा गिरी है। टोपा गिरी है, मैडम देख रही है। देख दो सेकंड के लिए आंख क्या झपका, ऐसा करंट मारी, ऐसा करंट मारी, पूरा शरीर हिल गया हमारा। तो ड्यूटी पे सोओगे तो ऐसे ही होगा ना, और हम तुम्हारा बात नहीं कर रहे हैं, ना चोर का पता है ना चोरी का पता है, कब से वेट कर रहे हैं। नहीं सो रहे हम, नहीं सो रहे हम, नाचेंगे पूरा रात, जगे हुए हैं, ड्यूटी करेंगे। बहुत बढ़िया मीरा जी। लगता कोई आ रहा है, चलो चलो। तुम्हारी मैया की सासू मैया, हमारे रहते चोरी करोगे तुम। चोरी मैंने नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो ये यहीं पे रहता हूँ। ये 104 वो दही लेना आया था, मम्मी ने मंगाया था, आज कढ़ी चावल बना रही है। ये देखिए। हाँ ठीक है, कटो यहाँ से। शुक्रिया शुक्रिया। चोर पकड़ाया क्या? नहीं। ओके चीते Thank you.
चीता चीता जागे मैडम सर, हम जगे मैडम सर, जय मैडम सर। जय शांत, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ वो पूछिए मैडम सर। करिश्मा मैडम ना बिल्कुल सही बोलती है, मशीन को हमारे थाना में क्रांति लाने के लिए नहीं, पर्सनली हमारी जिंदगी में अशांति लाने के लिए भेजा गया मैडम सर। क्या बताए आपको, एक सेकंड के लिए नहीं सोने दिए, पूरा रात करंट मार मार कर चोरी होने वाला है पार्लर में, चोरी होने वाला है, कोई चोरी नहीं हो रहा है। चोरी तो छोड़िए मैडम सर, चोरी का विचार तक उस पार्लर के आसपास से नहीं गुजरा है। क्या बताए आपको, रात भर मैडम सर ऐसा जगह पर करंट मारी है, क्या बताए, टीवी का बीमारी हो गया, टीवी का बीमारी। जय सर। अरे चीता चतुर्वेदी, चोरी हो चुकी है। क्या? स्वीटी के ब्रेसलेट की चोरी हो चुकी है। जी, प्योर गोल्ड, वो भी 1.5 लाख का। लास्ट ईयर पापा गिफ्ट करे छिलो। का छिल दिए बाबा? अरे लास्ट ईयर पापा ने गिफ्ट किया था बर्थडे पे। बाबा छीन के दिए थे गिफ्ट? नहीं मतलब चोरी कहाँ हुआ था मैडम? अरे कुछ याद नहीं है, इतना जगह गई थी, कहीं भी हो सकती है। अच्छा कहाँ कहाँ गई थी आप? पहले मॉल गई थी, फिर कॉफी हाउस गई थी, और फिर लेडीज क्लब गई थी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप जहाँ जहाँ गई थी वहाँ किसी और जगह पर ये ब्रेसलेट चोरी हुआ हो या आपसे गिर गया हो। सर हो सकता है कि ये वो केस हो ही ना जो हम समझ रहे हैं। एक मिनट मैडम, आप उससे पर छुना। क्या? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं क्लब के बाद मंजू ब्यूटी पार्लर भी तो गई थी। क्लब में डांस करने की वजह से मेरे पूरी हेयर स्टाइल खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे फिर से मंजू ब्यूटी पार्लर जाना पड़ा। ये देखिए मेरे ब्रेसलेट की फोटो। ये तो वही ब्रेसलेट है जो मीरा ने प्रोजेक्टर पर दिखाया था।